Then the previous lecture I was proving one theorem, which was almost done, 3.6.11. Yes, sir. Page 99. Short में एक बार लिख दे रहा हूँ मैं, क्योंकि I will be using this theorem in solving some problems. Theorem was that if you have given an asset, suppose this VK, some k number of vectors which are Li, ठीक है, which has Li subset of Vn and Vn के, है ना, where Vn means what? वेक्टर स्पेस ऑफ डायमेंशन एन, है ना, तो इसे हम वी एन से नोट कर सकते हैं. तो सपोज यू हैव सम के वेक्टर्स व्हिच इज अ सबसेट, एलआई सबसेट ऑफ वी एन, है ना, ये सबसेट है के, हमने यहाँ पे लेस देन एन ले लिया सपोज, या के पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं थी, इनफैक्ट के कुछ भी हो सकता है, तो के लेस देन एन भी हो सकता है, इक्वल भी. तो अगर के लेस देन एन है, दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग. So we can extend, we can find some vectors and we can add here in this way and so on, such that this Vn, this is a basis for Vn. क्योंकि आपको मालूम है कि अगर ये के एल आई सबसेट है तो मुझे यहाँ पर एल आई वेक्टर्स एन चाहिए ना. हमने एक प्रूफ की थ्योरम कि इफ यू नो द डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस, तो एनी एल आई सबसेट विल बी द बेसिस, है ना, वी नीड नॉट टू चेक द स्पैनिंग कंडीशन. याद है, इफ यू हैव अ वेक्टर स्पेस बी एन, देन एनी एल आई सेट ऑफ एन वेक्टर्स, दिस फॉर्म्स अ बेसिस फॉर वी एन. तो अगर आपके पास वी एन है और कुछ के वेक्टर्स हैं, तो यहाँ पर मैं कुछ एन माइनस के वेक्टर्स इसमें ऐड कर सकता हूँ इन सच अ वे दैट दे विल बिकम अ बेसिस फॉर वी एन, यानी कि क्या होंगे, ये एल आई रहेगा सेट. तो इसमें हमने क्या करा था, हमने इस तरीके से इसमें ऐड करे थे कि जो वी के प्लस वन है, इट डज नॉट बिलोंग्स टू स्पैन ऑफ प्रीवियस वेक्टर्स, है ना, ये एक वेक्टर लिया, इसमें ऐड किया एंड सो ऑन. तो ये हमने प्रूफ लास्ट क्लास में किया था. Now you can see how I can use this thing in some problem. So I am taking one example. Suppose you have two Li vectors, 1, 0, 1, 0, and 0, minus 1, 1, 0. Okay? I am taking four tuples. You know, this belongs to B4. Enough? They are Li. It is given they are Li. Otherwise, you can check also. Two vectors को Li के लिए क्या करना होता है? How to check two vectors are Li or not? They are not collinear. Or you can say they are not multiple to each other. है ना? तो यहाँ पर मैं I cannot get the second vector by multiplying some scalar in one. आ सकता है क्या? देखिए. No. है ना? क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट आपका एलिमेंट जीरो है, और यहाँ पर अगर आप जीरो करेंगे मल्टीप्लाई करके तो सारे जीरो हो जाएंगे, इट इज एल आई ऑफ कोर्स. नाउ आई वांट टू फाइंड, आई वांट टू कंस्ट्रक्ट अ बेसिस ऑफ वी फोर, लेकिन वो बेसिस हमें ऐसे बनानी है कि ये कंटेनिंग दीज टू वेक्टर, कंटेनिंग अबव टू वेक्टर्स, इनको हमें साथ में ही रखना है, ठीक है, बिकॉज यू नो कि एनी वेक्टर स्पेस इट हैज कितनी बेसिस हो सकती हैं, इन बहुत सारी बेसिस बना सकता हूँ, इनफाइनाइट बेसिस बना सकता हूँ, क्यों? यस सर, यस सर, टू स्टूडेंट्स, सो हियर मुझे जो बेसिस बनानी है, आई वांट टू कीप दीज टू वेक्टर्स, ये कंडीशन है. वैसे तो वी फोर की बेसिस आपको मालूम है, स्टैंडर्ड बेसिस भी होती है, तो कैसे बनाएंगे बताइए, क्या करूं मैं इसमें, व्हाट शुड आई डू,
if I want to make it is a basis, suppose ये आपका S है, if I want to make S a basis of B4, क्या होना चाहिए S के अंदर? बताइए एनीवन, बासित बताओ आप सर। और दो वेक्टर्स ऐड करने पड़ेंगे। कितने सर? टोटल चार, अब दो करने पड़ेंगे। वो जी ठीक है, सो हेयर आई हैव टू ऐड हाउ मेनी वेक्टर्स, टू एल आई वेक्टर, है ना? सो वी हैव टू ऐड टू एल आई वेक्टर्स इन एस, दो एल आई वेक्टर्स आने, क्योंकि जिसमें फोर एल आई वेक्टर्स हो जाएंगे तो वी फोर है, तो फोर एल आई वेक्टर्स विल फॉर्म अ बेसिस। अब देखो अब मुझे क्या सोच ढूंढना है, तो पहले एक वेक्टर ऐड करूंगा, so I will try to find a vector which is not linear combination of first two. अब देखो अगर तो आप first को देखें, first के spanning set पे देखें, है ना, linear combination करना, पहले मैं देखता हूँ what is the spanning set of this. So if you take the spanning set of this vector S, means the spanning of 1 0 1 0 0 -1 1 0, इसका spanning set क्या आएगा? You know alpha times of 1 0 1 plus beta times of this will be the, इसको अगर मैं सॉल्व कर लूं तो अल्फा इंटू जीरो माइनस बीटा एंड अल्फा प्लस बीटा एंड बाय जीरो. तो यहाँ पर एक चीज देखिए आपको कि यू वेयर अल्फा बीटा इज एनी स्केल, है ना, इट इज द स्पैनिंग सेट। सो हेयर स्पैनिंग सेट यू हैव वेक्टर वेयर first vector alpha, second minus beta, third vector is difference of first two, and fourth vector is always zero. So it means what? Okay, if I am taking a vector which is which fourth element is not zero. Yes, suppose I am taking yes. I am taking any vector 0 0 1 1. ये ले लिया मान लो, ठीक है? So I know that this will not belong to span S. क्यों? क्योंकि यहाँ पर जीरो होना चाहिए था आपके पास, है ना, यहाँ फोर जीरो नहीं है तो यहाँ पे तो इसमें नहीं आएगा ये, है ना? सो इट मींस कि दिस डज नॉट बिलोंग्स टू दिस, तो इट मींस व्हाट, कि अगर ये स्पैनिंग सेट में नहीं है तो अगर इसको मैं इस सेट के अंदर रखूं 0 0 1 1 तो क्या होगा? दिस इज ऑल्सो एल आई बट नॉट अ बेसिस, है ना, बट नॉट अ बेसिस। क्यों? क्योंकि अभी भी थ्री है एंड वी नो के बी फोर में एग्जैक्टली फोर एल आई वेक्टर्स चाहिए। तो अब अगेन, है ना, अगेन आई, अब इसका स्पैन ले ले, है ना, फिर आई एम टेकिंग नाउ अगेन स्पैनिंग ऑफ दीज थ्री वेक्टर्स, फर्स्ट टू तो आपके ये थे 1 0 1 0, सेकेंड वेक्टर यू गॉट 0 -1 1 0, और थर्ड वेक्टर क्या लिया है मैंने 0 0 1 1, है ना? कीप इन माइंड द नोटेशन, अब मैं ये ब्रैकेट यूज कर रहा हूं, इसका मतलब आई एम राइटिंग द स्पैनिंग, तो स्पैनिंग का मतलब क्या होगा? अल्फा टाइम्स 1 0, यस 1 0, बीटा, और मैथमेटिक्स में नोटेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पे मैंने बिग ब्रैकेट लगाया था, लेकिन अब कर्ली ब्रैकेट, क्योंकि ये तो स्पैनिंग सेट है, अब ये सेट है तो अल्फा बीटा गामा, वेयर अल्फा बीटा गामा आर रियल नंबर्स। इसको ओपन कर लीजिए, सिंपल है, अल्फा 1 + बीटा 0 + गामा 0, फर्स्ट इज अल्फा, अल्फा इनटू 0 माइनस बीटा, है ना, सेकंड इज अल्फा प्लस बीटा और प्लस गामा, थर्ड वन इज अल्फा 0 बीटा 0 गामा। अब यहां पर यू कैन सी कि थर्ड
थर्ड वेक्टर, जैसे यहाँ पे हमें ऐसा वेक्टर लिखना है विच इज नॉट बिलोंगिंग टू स्पेन. इसकी क्या इस सेट में कैसे वेक्टर्स है कि थर्ड वेक्टर जो है वो क्या है, फर्स्ट माइनस सेकंड प्लस थर्ड, है ना, ये तो है. देखो थर्ड वेक्टर को देखो मैं क्या रिलेशन है, फर्स्ट माइनस सेकंड प्लस थर्ड. तो मैं एक ऐसा वेक्टर लूँ जिस रिलेशन को होल्ड नहीं कर रहा है. मान लो हमने ले लिया 0 0 0 1, ये वेक्टर ले लो. अब यहाँ अगर आप देखें 0 और माइनस 0 प्लस 1, इसके कुल यहाँ थर्ड के है ना, यहाँ थर्ड वेक्टर है तो इसका मतलब गामा, ये गामा ये था ना, तो इट डज नॉट बिलोंग्स टू स्पैन ऑफ दिस. देखिए ये जो वेक्टर की चॉइस है इट इज नॉट यूनिक. ये जो मैं वेक्टर ले रहा हूँ ये यूनिक नहीं है, है ना, ये आप कुछ और, आप इसको कुछ और ले सकते थे बुक में. जैसे बुक में लिया हुआ है 0 0 0 1, है ना, दिस चॉइस इज नॉट यूनिक. देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेक्टर्स व्हिच डज नॉट बिलोंग टू स्पैन सेट. तो ऐसी प्रॉब्लम्स का आंसर यूनिक नहीं होगा, आंसर आपके डिफरेंट आएंगे, है ना. ये तो डिपेंड करेगा आप क्या वैक्टर ले रहे हैं. जैसे यहाँ मैंने बताया कि ये वाला वैक्टर अगर मैं लेता तो ये भी बिलोंग डज नॉट बिलोंगिंग टू स्पैन एस है. तो ये तो आपकी चॉइस है, बस आपको ये देखना है कि स्पैनिंग एस में नहीं है. आप कोई वेक्टर ले सकते हैं. हियर आई गॉट दिस, सो दिस इंप्लाइज दैट दिस इज एल आई एंड हेंस फॉर्म्स आर बेसिस फॉर B4. बात समझ में आई भाई, नहीं आई बताइए. यस सर. हाउ यू कैन हमें ऑर्डर का भी ख्याल रखना पड़ेगा. ऑर्डर का तो ख्याल रखना ही आपको. तो इन दिस पे यू कैन, तो यहाँ पर टू ओरिजिनल वेक्टर्स जो थे वो एज इट इज थे, है ना, उसमें हमने टू मोर वेक्टर्स ऐड कर दिए. हियर आई हैव यूज्ड द थ्योरम, दिस थ्योरम आई हैव यूज्ड. तो अगर आपके पास कोई भी एलआई सेट ऑफ वेक्टर्स है यू कैन ऑलवेज एक्सटेंड दैट सेट ऑफ वेक्टर्स टू फॉर्म अ बेसिस फॉर अ वेक्टर स्पेस. Example 3.42 है. It is, I am leaving it for you. You will try it. Same type of problem. Then one more theorem. 6.13. Page number 100. Let U be a subspace of a finite dimensional vector space, उसको मैं शॉर्ट में लिखता हूँ, finite dimensional vector space V. Then dimension of U less than equal to dimension of, है ना, क्योंकि dimension आपको मालूम है dimension एक number है, तो number में हम less than equal to का use करते हैं ना. तो ये कह रहे हैं कि U की dimension हमेशा V से less than equal to होगी. मोर ओवर इसके आगे और दे रहा, इक्वालिटी होल्ड्स ओनली व्हेन यू इज इक्वल टू वी. ठीक है, यानी कि डायमेंशन अगर यू आपका कोई प्रॉपर सब स्पेस है, सबसेट है प्रॉपर, तो उस केस में डायमेंशन यू विल ऑलवेज लेस देन डायमेंशन वी, ये कह सकते हैं. और इक्वालिटी जब ही होल्ड होगी जब आपका U जो है वो itself V बन जाएगा, यानी कि क्या होगा कि when U will be a trivial subspace, है ना, क्योंकि trivial क्या होता है, you know, कि हर set का set itself is a subset, है ना, लिख सकते हैं ना, इसे हम improper भी बोलते हैं और trivial भी बोलते हैं, जो उससे कम होता है उसे हम trivial वो बोलते हैं proper, जैसे मैं लिखता हूँ A subset of B. तो ये ए प्रॉपर सबसेट कहलाता है, यानी कि कम से देयर विल बी एटलीस्ट वन एलिमेंट इन ए, वन एलिमेंट इन बी विच इज नॉट बिलोंगिंग टू ए. ये थ्योरम हमें प्रूफ करेंगे. तो बहुत सी चीजें अगर आप देखेंगे स्टेटमेंट में तो वो ऑब्वियस ही रहेंगी आपको कि हाँ ये ऑब्वियस है कि अगर ये सब स्पेस है
तो डायमेंशन लेस ही होना चाहिए. द वे ऑफ प्रूविंग दैट इज इंपॉर्टेंट इन प्योर मैथमेटिक्स. आई ऑलवेज टोल्ड यू वे ऑफ प्रूविंग इज इंपॉर्टेंट, हाउ टू प्रूव द थिंग्स. यहाँ आपको थोड़ा सा सोचना पड़ता है कि कैसे हम चीजों को लेके चलें. चलो ठीक है, अब आपको मालूम है कि अगर डायमेंशन की बात हो रही है तो किसकी बात होगी. डायमेंशन कहाँ से आती है? बेसिस. बेसिस से. तो अगर मुझे डायमेंशन के लिए कुछ भी करना है, आई हैव टू कंसीडर वन बेसिस. तो हमने मान लिया लेट बी की बेसिस को बी से ले रहे हैं, बी वन बी टू एंड सो ऑन बी एन. बी आर बेसिस फॉर बी, है ना. हमने मान लिया वी की जो बेसिस है एन है, यानी कि इसके अंदर इसकी डायमेंशन कितनी है? एन है. दैट मींस डायमेंशन ऑफ बी इज एन. ये हमने अंडरस्टूड है जब हम बेसिस देखिए. इसका मतलब क्या है कि ये व्हाट डस इट मींस. अगर ये बेसिस है तो ये क्या करेगा? स्पैन करेगा, है ना. ये इसकी डेफिनेशन है कि ये स्पैन भी करेगा और एन एल आई वैक्टर्स होंगे. तो जो हमने सबसे पहले थ्योरम लिखाई थी आपको अगर याद हो, नंबर ऑफ एल आई वैक्टर्स और ऑलवेज लेस देन नंबर ऑफ स्पैनिंग वैक्टर्स, है ना. तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं यहाँ एनी सेट ऑफ एल आई वैक्टर्स इन वी, है ना, सो एनी सेट ऑफ एल आई वैक्टर्स इन बी, है ना, कैन नॉट हैव मोर देन एन वैक्टर्स, है ना. यस सर. क्योंकि एनी एन प्लस वन वैक्टर्स तो एल डी बन जाएगा. तो अगर एक बार बताओ, अगर v के अंदर n से ज्यादा एल आई वैक्टर्स नहीं हो सकते, तो अगर मैं इसका कोई सबसेट दूंगा उसमें भी नहीं होंगे, है ना. एंड एनी सबसेट ऑफ u ऑफ v कैन नॉट हैव मोर देन n वेक्टर्स, n एल आई वेक्टर्स. क्यों भाई? यस सर. तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मोर देन n एल आई वेक्टर्स नहीं हो सकते, तो जो u की डायमेंशन बनेगी, जो सेट आएगा, उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा कितने होंगे? n ही होंगे. तो दैट मीन्स क्या हुआ कि डायमेंशन ऑफ u जो होगी वो लेस देन इक्वल टू डायमेंशन ऑफ v होगी, है ना. अभी तो हमने ये प्रूफ करा, इक्वालिटी में अभी लेके चलूंगा. अभी हमने ये प्रूफ करा फर्स्ट पार्ट. ये बात क्लियर है? नहीं, ये बताइए. यस सर. है ना, इस चीज से. और कोई यासर रूल रसूल के अलावा और किसी की आवाज नहीं आती है? क्यों भाई, आलोक यादव कहाँ हो आप? यस सर. समझ में आ रहा है कुछ? नहीं. यस सर, आ रहा है. कोई बात अगर नहीं है तो आप पूछा करिए. वो कहाँ है? जुनैद मंसूर कहाँ है? यस सर. यस सर. समझ में आ रहा है जुनैद? यस सर. चलिए. मौला सुमन रहमान कहाँ है? यस सर. क्लास में है आप? यस सर. चलिए ठीक है. अब हम बात करते हैं इक्वालिटी. अभी हमने शो कर दिया लेस देन, अब इक्वालिटी की बात करते हैं. चलो, अब इक्वालिटी. तो नेक्स्ट केस, व्हेन डायमेंशन ऑफ यू इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ बी. अब मान लीजिए केस हम लेके चले इक्वल है. तो अगर इक्वल है तो हमें शो क्या करना है कि यू और बी क्या है? दे आर आइडेंटिकल, है ना, वो सेम सेट है, हमें ये शो करना है. तो अगर डायमेंशन यू इज इक्वल टू डायमेंशन बी है, तो हमने बी बेसिस मानी थी किसकी? बी की. हमने माना इसकी बेसिस बी वन. लेट बी वन बी आ बेसिस ऑफ यू. तो जब डायमेंशन सेम है और डायमेंशन बी कितनी है आपकी? ये तो एन थी. एन. तो अगर बी वन बेसिस है यू का, तो यू बी वन में कितने एलिमेंट होंगे? एन. एन ही होंगे ना. देन बी वन हैज एन एल आई वैक्टर्स, है ना. इसके अंदर भी एन एल आई वैक्टर्स होंगे. वो अलग बात है कि यू वन यू टू यू एन हो जाएंगे,
है ना, मैं ये नहीं कह रहा वेक्टर सेम होंगे, वेक्टर अलग हो सकते हैं u1 u2 un, लेकिन नंबर ऑफ वेक्टर्स n ही होंगे, सो दैट इट विल आर दिस है ना n वेक्टर्स, रीजन बिकॉज डायमेंशन सेम. सो बाय थ्योरम 3.6.5 हमने थ्योरम कराई थी कि अगर किसी उसके अंदर n एलिमेंट्स हैं, n li वेक्टर्स हैं, तो वो बेसिस किसकी बन जाएगा, v की. अगर v की डायमेंशन n है तो एनी एल आई सेट, एनी एल आई वैक्टर्स क्या होंगे, वो आपके v के बेसिस रहेंगे. वो ये थ्योरम थी, मैं नंबर लिख दिया है, आप देख सकते हैं पीछे जब जाएंगे. तो बाय दिस थ्योरम क्या होगा, b1 इज आल्सो अ बेसिस फॉर v. तो अगर बेसिस है v का तो क्या होगा, ये किसे स्पैन करेगा, बी को, और यू को तो ऑलरेडी कर ही रहा है ना भाई, वो तो हमारी डेफिनेशन हमने मानी ये थी कि ये यू को भी स्पैन कर रहा है, इट मींस व्हाट, कि यू मस्ट बी आइडेंटिटी. बात समझ में आ गई, तो इस तरीके से प्रूफ करना. तो यहां पर आपको प्रूफ देखने होते हैं हाउ टू प्रूफ. एक और इंपॉर्टेंट थ्योरम है जिसका सिर्फ स्टेटमेंट है आपके सिलेबस में, प्रूफ इसका अच्छा खासा लंबा. इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन सी द प्रूफ फ्रॉम द बुक, बिकॉज प्रूफ इज गिवन इन द बुक. इफ यू एंड डब्ल्यू आर टू सब स्पेसेस ऑफ अ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, तो वो फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस की बात हम यहाँ पे क्यों कर रहे हैं बार बार, कोई बताएगा, आपने यहां देखा कि हम डायमेंशन की बात कर रहे हैं और डायमेंशन को हम इक्वल करा रहे हैं, लेस करा रहे हैं ना. जब कोई फाइनाइट चीज होती है तभी हम फाइनाइट नंबर्स में हम ये सब बातें कर सकते हैं, a less than b a equal to b, है ना. अगर इनफाइनाइट होगा तो वी कैन नॉट से कि सम इनफाइनाइट लेस देन इनफाइनाइट, ओके. तो इसलिए यहाँ फाइनाइट वर्ड यूज करना जरूरी है. ये सारी अर्थमेटिक जो हम करते हैं कि सम नंबर इज लेस देन दिस, सम नंबर ग्रेटर देन दिस, दिस अर्थमेटिक वी कैन डू ओनली व्हेन यू हैव फाइनाइट थिंग्स, है ना. आई कैन नॉट से इन्फिनिटी प्लस वन इज लेस देन इन्फिनिटी, कह सकते हैं क्या, नो सर, है ना. इसलिए फाइनाइट वर्ड का यूज हो रहा है यहाँ पे. सब इम्पोर्टेंट थिंग्स है, बात को याद रखिएगा, कल जब वायवा होगा तो उसमें सब पता चलेगा कितना समझा आपने. चलिए, इफ यू एंड डब्ल्यू आर टू सब स्पेसेस ऑफ अ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस वी, देन डायमेंशन ऑफ यू प्लस डब्ल्यू, है ना. आपको पता है कि u प्लस डब्ल्यू भी एक आपका क्या बन जाता है, सब स्पेस बन जाता है. और किसके इक्वल था यह हमने कराया था, शायद इसका स्पैनिंग सेट बताया था ना, थ्योरम कराई थी, स्पैनिंग सेट ऑफ a प्लस बी किसके इक्वल था, a यूनियन b के, याद है, नहीं स्पैनिंग सेट नहीं, a प्लस बी इसके इक्वल था. u प्लस डब्ल्यू सम ऑफ टू सेट्स इट्स इक्वल टू स्पैन ऑफ, है ना, ये कराया था, याद है, भूल गए सब. इसका मतलब क्या हुआ कि u प्लस डब्ल्यू इज ऑलवेज अ सब स्पेस, क्योंकि स्पैनिंग सेट इज ऑलवेज अ सब स्पेस, ओके. तो डायमेंशन ऑफ u प्लस डब्ल्यू जो होगी इट विल बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ u प्लस डायमेंशन ऑफ w माइनस डायमेंशन ऑफ u इंटरसेक्शन, ठीक है. ये एक रिजल्ट है कि अगर आपके पास टू सब स्पेसेस हैं तो उनका जो सम होगा वो भी सब स्पेस होगा इस रिजल्ट से, और उसकी जो डायमेंशन होगी वो इक्वल होगी डायमेंशन ऑफ u प्लस डायमेंशन ऑफ w माइनस डायमेंशन ऑफ u इंटरसेक्शन w, यानी कि जो उसका इंटरसेक्शन आ रहा होगा वो भी सब स्पेस होगा, क्योंकि उसके अंदर कम से कम आइडेंटिटी तो आएगी आएगी, है ना. यस सर, इंटरसेक्शन ऑफ टू सब स्पेसेस आर ऑलवेज नॉन एम्प्टी. ये आप प्रूफ, इसका प्रूफ नहीं है, सिर्फ स्टेटमेंट है. इसके ऊपर बेस्ड प्रॉब्लम्स आती है बहुत, इवन कॉम्पिटिशन में इसके ऊपर प्रॉब्लम बहुत आती है, जैम वगैरह गेट में आ गई, इस टाइप की चीज होती है.
प्रूफ आप इसका देख सकते हैं कितनी दे रखा है, बेसिस का इस्तेमाल करके प्रूफ हुआ। तो ये एक आपकी लास्ट थ्योरम थी। फिर नेक्स्ट भी है एक्सरसाइज, लास्ट एक्सरसाइज आपकी यूनिट वन की, इसके बाद भी है यूनिट टू, प्रॉब्लम सेट 3.6, प्रॉब्लम सेट 3.6। काफी प्रॉब्लम तो हमने सी में डिस्कस कर लिया है थ्योरम के साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग, ये आपसे पूछूंगा प्रॉब्लम में, सब लोग रेडी रहे। विच ऑफ द फॉलोइंग सबसेट्स एस फॉर्म अ बेसिस फॉर V3, ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग। आगे और है, इन केस S इज नॉट अ बेसिस, इन केस S इज नॉट अ बेसिस फॉर V3, determine a basis for spanning set S. Okay? बताइए समझ में बात है, क्या कह रहे हैं क्यों स्टूडेंट? Yes, sir. अभी मैं सबसेट सीखने जा रहा हूं, आपको ये बताना है कि इनमें से कौन से सबसेट्स बेसिस बनाएंगे, और अगर नहीं बना रहे हैं तो आप उसको बेसिस बनाइए कि स्पैन एस की बेसिस क्या होगी। बताइए व्हाइट बोर्ड के अलावा आपको कुछ दिखता है यहाँ पे? जैसे मेरे ऊपर मैसेज बार बार ब्लिंक हो रहे हैं, वो आपको दिख रहे हैं क्या? अच्छा, हाँ, क्योंकि वो बीच बीच में मैसेज ब्लिंक होते रहते हैं व्हाट्सएप पर, आपको सिर्फ व्हाइट बोर्ड दिखता है ना ये? यस सर। चलिए रेडी रहिए भाई, अब सेट लिख रहा हूँ, आपको बताना है V3 का बताना है, कीप इट माइंड। अब V3 के बारे में आपको सब मालूम, V3 इज नोन स्ट्रक्चर टू यू, चेक करते रहिए आप, मैं सेट लिख रहा हूँ। चलिए ठीक है, पहले तो बताइए कौन सा इसमें से बेसिस नहीं है आखिर इसके, बिल्कुल एकदम ब्लाइंडली बता सकते हैं आप, है आपको आइडिया अब तक? ए नहीं है। यस सर। क्यों सर? ये एलडी है। एलडी है कैसे पता सर? माइनस टू वन, माइनस टू वन थ्री को, हाँ मतलब थर्ड वेक्टर बिलोंगिंग टू स्पैन ऑफ दिस है ना। यहाँ पर अगर आप ये कहना चाह रहे हैं कि 1 2 3 -3 1 0 तो कितना आएगा? 1 -3 -2 2 -1 1 3 -0, ये आ गया। इसका मतलब दिस बिलोंग्स टू स्पैन, यानी कि इसमें एक वेक्टर ऐसा है जो पिछले This is belonging to span of this, so it is not LI, है ना? या ये लिख दो और LD,
चलो ठीक, सेकंड बताइए। ये भी नहीं है सर। वाई सर, इसमें अगर हम फर्स्ट एलिमेंट 2.2 करके सेकंड में से माइनस कर देंगे तो आ जाएगा थर्ड वाला। अच्छा, यानी कि -101 दिस इक्वल टू हाउ मच, ट्वाइस ऑफ फर्स्ट। फर्स्ट यस सर, थैंक यू। तो उसको सेकंड में से माइनस करेंगे -2। तो यार 2-1 तो +1 आएगा, यहां -1 नहीं सर, सेकंड में से उस फर्स्ट वाले को माइनस करेंगे 2.2 करके। अच्छा, यानी कि 1, 2, 3 माइनस ये ट्वाइस ऑफ फर्स्ट। यस सर, 1-2 -1 2-0 एंड 3-2। ठीक है भाई, तो इट इज नॉट, ये इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, ये भी नहीं है, है ना, क्योंकि 4 वेक्टर्स हैं। यस सर, B3 में 4 वेक्टर्स हैं, मैं बता रहा, ये तो आप डायरेक्ट सबसे पहले इसी को कर सकते हैं। ये बताइए, यहाँ चेक करेंगे, यहाँ पे फ्रैक्शन में दिया हुआ है, चेक करना होगा आपको, या तो अल्फा बीटा गामा से चेक कर लीजिए या डिटरमिनेंट निकाल लीजिए इसकी, है ना, चारों से चेक कर दिए, चेक कर लीजिएगा आप कॉन्सेप्ट पर। चेक ई आपको दिख रहा है, ई इज नॉट, क्योंकि 2 वेक्टर है ना, इट इज नॉट अ बेसिस, दिस इज नॉट अ बेसिस, क्योंकि बी 3 में 3 चाहिए। अब ये पहले देखो कि आपस में क्या है, ये एल आई है या एल डी है, अगर मैं किसी नंबर से मल्टीप्लाई करूँ यहाँ आ सकता है ये। अब देखो माइनस, फर्स्ट वैक्टर माइनस है तो माइनस कभी भी नहीं आएगा फर्स्ट में, अगर आप माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, सारे माइनस हो जाएंगे, लेकिन यहाँ सिर्फ फर्स्ट माइनस था, है ना, इट मीन्स व्हाट, यू कैन नॉट गेट एनी मल्टी स्केलर मल्टीपल विच इज गिविंग यू द फर्स्ट वन। तो ये आपके पास क्या है, एल आई है, नॉट अ बेसिस बट एल आई। तो इस पे था कि जो बेसिस नहीं है तो स्पैन का बेसिस बनाइए, तो स्पैन एस आपका अगर लेंगे तो स्पैन एस का क्या बेसिस बनेगा, इसमें एक वेक्टर और ऐड कर दीजिए बस, जो एल आई हो, क्या ले लूँ मैं, 0, 0, 1, 1, 0, 0 कोई भी ले लीजिए, है ना, आपको क्या पता है, डिटरमाइन अ बेसिस फॉर स्पैन एस। तो स्पैन एस आप जब बनाएंगे तो स्पैन एस में स्पैन एस वेक्टर स्पेस बन जाएगा आपका, तो स्पैन एस के लिए क्या देखेंगे हम यहाँ पर, हाँ वो रखेंगे यहाँ पे, यार मैं ये वेक्टर ले लूंगा 1, 0, 0, तो ये वेक्टर अगर आप ले लें तो दिस डज नॉट बिलोंग्स टू स्पैन एस, वो अंडरस्टूड आपको दिख रहा है ऑलरेडी, क्योंकि यहाँ पे सेकंड थर्ड जीरो है ना, सब्ट्रैक्ट करके जीरो नहीं आएगा, तो यू कैन गेट -1, 3/2, 2, 3, 2/3, 3, 1, 0, 0, है ना, दिस इज अ बेसिस फॉर एस। अच्छा, इसी के बेस पे थर्ड प्रॉब्लम है, फर्स्ट प्रॉब्लम थी, थर्ड प्रॉब्लम है, डिटरमाइन द डायमेंशन, डिटरमाइन द डायमेंशन ऑफ, डायमेंशन ऑफ स्पैन एस ऑफ वी थ्री, ये आपको मालूम है वी थ्री का सब स्पेस है, फॉर ईच एस इन प्रॉब्लम वन, है ना, हर एक में आपको स्पैन एस की डायमेंशन बतानी। तो यहाँ पर आपके पास, अब यहाँ देखो एस अगर बेसिस नहीं था तो हमें सबकी बेसिस स्पैन एस की बेसिस निकालनी थी यहाँ पर, अभी अभी वर्कआउट हमें यहाँ ये और कर, जैसे ये अगर नहीं था तो यहाँ पर इसके हमें स्पैन एस निकाल के फिर उसकी बेसिस निकालनी थी इन सब में, है ना, जैसे ये सब फैक्टर्स थे, तो जब बेसिस निकाल लेंगे आप तो उसकी डायमेंशन दिया जाएगी, ठीक है। जैसे फर्स्ट जो आपने लिया था, आपने बताया कि फर्स्ट जो है एस, से ये ले लेता हूँ मैं 1, 2, 3, 3, 1, 0, -2, 1, 3 ये था, है ना, इट इज नॉट वेक्टर स्पेस। तो अगर मैं स्पैन एस लूंगा तो स्पैन एस में आपके पास सेट आएगा, मैं अल्फा बीटा गामा लिया, तो अंडरस्टूड है,
You will adding alpha plus 3 beta minus 2 gamma. 2 alpha plus beta gamma. 3 alpha plus beta. Na? Ye aa raha hai. और यहाँ पर इस ये आपका दिस इज योर स्पैनिंग सेट है ना। अब स्पैनिंग सेट में देखो क्या होता है, स्पैनिंग सेट में अगर आप कोई वेक्टर हटा दें विच इज आल्सो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर, तब भी वो स्पैनिंग सेट आपका सेम रहेगा, स्पैनिंग में फर्क नहीं पड़ेगा। ये आपको कराया था कि अगर कोई वैक्टर ऐसा है विच इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर्स, यू कैन रिमूव द वैक्टर स्टिल स्पैनिंग सेट विल बी इक्वल टू द क्या नाम है द सेम स्पैनिंग सेट ऑफ अदर टू वेक्टर्स। यहाँ पर अगर हमें मालूम चल रहा है कि वन वेक्टर इज कमिंग बिलोंगिंग टू स्पैन ऑफ टू अदर्स, तो आई कैन रिमूव द वेक्टर, तो हियर आई कैन रिमूव माइनस टू वन टू थ्री इनफैक्ट। तो स्पैन ऑफ एस जो ये था दिस विल बी इक्वल टू इनफैक्ट स्पैन ऑफ ये इसके भी इक्वल होगा, ठीक है क्या हुआ टू, क्योंकि ये आपके पास स्पैनिंग में बिलोंग कर रहा था, तो अगर कोई वेक्टर स्पैनिंग में बिलोंग कर रहा है उसे हम रिमूव कर सकते हैं, जो मैंने आपको फैक्ट्स लिखवाए थे कि यू कैन रिमूव द स्पैनिंग वेक्टर, समझ में आ रही है बात। तो अगर ये तीनों से लीनियर कॉम्बिनेशन से बन रहा है और एक वेक्टर ऐसा है जो स्पैन कर रहा है, तो अगर मैं इसे हटा दूंगा अब भी ये स्पैन करेगा पूरे सेट को, ठीक है, क्योंकि स्पैन सेट इज नॉट फाइनाइट, यानी फाइनाइट नहीं है, मैं स्पैन एस की बात कर रहा हूँ। तो दिस विल इक्वल टू दिस स्पैन, चाहे आप तीन से स्पैन से लिखें या दो से, क्योंकि जो थर्ड वेक्टर था वो आपका खुद ही इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में ऑलरेडी आ रहा था, है ना। तो जब आप दो का लिखोगे तो थर्ड वेक्टर तो आ ही जाएगा ना इसमें, क्यों भाई कैसे आ जाएगा, आपने भी बताया था मुझे, क्या बताया था आपने कि वन माइनस वो कर दूँ, यानी कि क्या कर दूँ मैं एल्फा को वन कर दूँ और बीटा को माइनस वन, तो थर्ड वेक्टर आएगा नहीं इसमें, इसलिए यहाँ पर आप यू कैन रिमूव ऑलवेज अ वेक्टर विच इज स्पैनिंग ऑफ अदर टू। तो मैंने थर्ड वेक्टर हटा दिया अब, लेकिन ये जो दो हैं ये एलाई हैं, तो अगर ये एलाई है यहाँ पर मैं इसे सिंगल वेक्टर की